कहाँ है? फिनलैंड में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है दोस्तों, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? फिनलैंड में है, ठीक है। नंबर टू में आता है बी ए आर सी, आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा बी ए आर सी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा, ये मुंबई में है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर, बी ए एफ टी ए का चेयरमैन कौन है? तो ये तुम्हारा कृष्णा के मजुमदार बोल सकते हो, के मजुमदार, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिलेगा चार ऑप्शन, उसमें अगर रिकेट दिया हो तो आप रिकेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जलियावाला बाग, जलियावाला बाग कौन सा स्टेट में हुआ है? दोस्तों पता होना चाहिए जलियावाला बाग जो पंजाब में हुआ था, अमृतसर में, कब हुआ, इन विच ईयर बोलेगा तो 1919 में हुआ है, ठीक है। ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूछा गया 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में, FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका जो प्रेसिडेंट है वो संगीता रेड्डी जी हैं। इसका प्रेसिडेंट कौन है? संगीता रेड्डी जी हैं, FICCI का प्रेसिडेंट। यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। सिटी ऑफ सैफ्रॉन, सैफ्रॉन को सिटी किसको बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर को बोलते हैं, सैफ्रॉन का सिटी है किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। पेटीएम आप यूज करते हो, उसका CEO पूछा है, तो इसका CEO पूछा है तो क्या है? विजय शंकर शर्मा दोस्तों क्या है? पेटीएम के CEO है। तो पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। जापान का करेंसी क्या है दोस्तों? जापान का करेंसी होता है येन, ठीक है। तो इसका कैपिटल भी पूछा जा सकता है, जो किसका कैपिटल होता है? जापान का टोक्यो। गोल गुंबज कहाँ पर है? गोल गुंबज कहाँ पर है? तो है कर्नाटका में, ठीक है। गोल गुंबज कहाँ दोस्तों? कर्नाटका में, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। राहुल गांधी अभी जो फिलहाल में है कहाँ के सांसद बने हैं, कहाँ के सांसद हैं? तो वायनाड के, जो कि केरला में है, ठीक है, वायनाड में, जो केरला में है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गवर्नर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का गवर्नर कौन है दोस्तों? राजस्थान का जो गवर्नर है वो कौन है? कलराज मिश्रा, ठीक है, कलराज मिश्रा जी हैं, ठीक है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अशोक गहलोत हैं। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। एनडीए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पुणे में, ठीक है, पुणे में, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, बुद्ध का सबसे ऊंचा प्रतिमा है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्प्रिंग टेम्पल। क्या नाम है दोस्तों? स्प्रिंग टेम्पल है। जी ट्वेंटी जो हुआ है दोस्तों, G20 2020 में कहां पे हुआ है? तो सऊदी अरब में हुआ, जो कि यहां के सलमान जो है वहां के हेड है G20, ठीक है। तो 21 में कहाँ होगा? इटली में होगा। 22 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 23 में कहाँ होगा? इंडिया में होगा। ये सारे आप लोगों को याद कर लेने होगा, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिले, कोई ना कोई शिफ्ट में आपको देखा नहीं, कोई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है? वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी दोस्तों 4 लाख होती है। और वाइस प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो 63 आर्टिकल में आते हैं। मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप लोग को कहीं ना दूसरे सीट में देखने को मिलेंगे। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको नेक्स्ट सीट में आपको एनएनपी का फुल फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, इसका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो 8848 मीटर है, जो कि नेपाल में है, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड दोस्तों 2020 किसको मिला है? तो वो मिला है गुली बॉय को ही। मैक्सिमम अवार्ड गुली बॉय को ही गया है, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, सब कुछ मैक्सिमम अवार्ड गुली बॉय की पिक्चर को गया है। फीफा जो 2022 में दोस्तों होगा, कहाँ पे होगा? कतर में होगा। कहाँ पे होगा? कतर में होगा। लार्जेस्ट आइलैंड बोला ऑफ द वर्ल्ड, तो सबको पता है ग्रीनलैंड क्या है? सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और यही पूछेगा कि मतलब अंटार्कटिका ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, जो वही आंसर होगा ग्रीनलैंड ही होगा, ठीक है दोस्तों। मैं इससे रिलेटेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड जो है कि दोस्तों यूरोपियन का एक पार्ट है, डेनमार्क में है, ठीक है। पैसिफिक ओशन नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। पैसिफिक ओशन का कौन सा आइलैंड है? तो पपुआ गुनी बोलते हैं, ठीक है। उसे इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो बोर्निया बोलते हैं, ठीक है। क्लोरीन को कहाँ रखा गया है? पेरियोडिक टेबल में। तो क्लोरीन को पेरियोडिक टेबल में 17 नंबर पर रखा गया है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, ठीक है।
नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में 2020 में किसको मिला, तो दो जन को मिला, याद रखिएगा दो जन को मिला है, किसको मिला है, तो रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है और पॉल मिलग्रम को मिला, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्टडी ऑफ यूनिवर्स किसको बोलते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी को बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी को, ये जो ब्रह्मांड की पढ़ाई करते हैं उसको स्टडी करते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमी। बैटल ऑफ प्लाजी कब हुआ ये पूछा गया है, तो 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लाजी हुआ है, ठीक है दोस्तों। किसके बीच हुआ है, सिराज उद दौला के बीच हुआ है और लॉर्ड क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ है, लॉर्ड क्लाइव जीत गए थे, सिराज उद दौला हार गए थे, तो उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि फिर बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में हुआ था। एक बार लोग बैटल अच्छे से याद कर लीजिए, बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल जितने बैटल आप पढ़ लीजिएगा, जितने सीईओ हैं पढ़ लीजिएगा, जितने हेडक्वार्टर है पढ़ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे। सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पे है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो बाबू दोस्तों तमिलनाडु में, कहां पे, तमिलनाडु में। COOH किसका फॉर्मूला है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है, आइए आप लोग समझ में आ रहा होगा। गुलाम वंश का स्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश का स्थापक थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू बन रहा है, वो कौन सा राज्य में बन रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू बना कौन सा, तो गुजरात में बना, जो कि 20 करोड़ का लागत से बन रहा है, और गुजरात है तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है, सबको पता है, विजय भाई रूपानी जी हैं, याद रखिएगा। जैन धर्म के सबसे पहले कौन थे, जैन धर्म का सबसे पहला कौन था, तो वो थे ऋषभ देव थे, तो 24वां नंबर जैन के कौन थे, वो थे महावीर, ये पूछा जा सकता है 24वां, ठीक है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है, तो भाई गंगा रिवर का डॉल्फिन है, कौन नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ब्लड का पीएच मान होता है 7.3 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है ब्लड का, और शराब का अल्कोहल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 3 से 5 के बीच में होता है, आप लोग आंसर ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूँ, आज के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोग कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो इंक जेट के कलर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 3 होते हैं, तो मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया, काइन मैगेंटा और ज्ञान था, नाम मैं लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं। फाउंडर कौन था, पूछा गया कि फाउंडर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है, तो विल गेट हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट का, तो सबको पता है सत्य नंडेला है, सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का, फाउंडर कौन है, तो बिल गेट्स हैं। टिस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, टिस्को का हेडक्वार्टर मुंबई में, इसका स्थापना हुआ था 1907 में हुआ था। इसका स्थापना कहाँ किया गया था, तो जमशेदपुर टाटा में किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। देखिए इतना सारा क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मंगोलिया का कैपिटल क्या होता है, मंगोलिया का कैपिटल होता है उलन बटार जो क्या होता है, मंगोलिया का कैपिटल होता है। 1988 में पीएम कौन था, ठीक है, 1988 में प्रधानमंत्री कौन था हमारे देश के, तो राजीव गांधी थे। भी पूछा जा सकता है कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, इंडिया के, तो भी राजीव गांधी ही होंगे। शिव समुद्रम जल प्रपात कहाँ पे है, कर्नाटका में पता है, बेंगलुरु। राष्ट्रीय गान कौन सा है, सबसे इजी क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान पूछा है, तो कौन सा, रविंद्र राष्ट्रीय गान सबको पता है, किसने किया कंपोज, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, कब किया था, 1911 में किया था, कहाँ पे किया था, कोलकाता में किया था, लेकिन इसको नेशनल सॉन्ग में कब लिया गया था, तो 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड का स्थापना कब किया गया था, तो 1954 में किया गया था, ये सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है। तिहरी डैम कौन सा स्टेट में है दोस्तों, ये पूछा गया है, तो तिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है, जो कि इसका कैपिटल क्या होता है उत्तराखंड का, देहरादून होता है, ठीक है। और उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इतने सारे क्वेश्चन मैं आप लोग बता रहा हूँ, नोट करते चलिएगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम फाइव टाइम्स जो हुआ है वो कौन सा कंट्री करवाया, 5 बार कौन सा कंट्री कॉमनवेल्थ गेम करवाया, तो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हेवी वाटर फॉर्मूला का D2O होता है, ठीक है दोस्तों। सबरीमाला मंदिर इन विच स्टेट, वो होता है केरला में, ठीक है, बहुत विवाद में चला था मंदिर केरला में, जो कि केरला कैपिटल सबको पता है, तिरुवनंतपुरम।
तो आप लोग को एग्जाम में जाने से पहले क्या देखना होगा मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इंडेक्स देख लीजिएगा कि यहाँ भारत है कौन सा पोजीशन कहाँ पे है और फर्स्ट रैंक कौन है, कैपिटल देख लीजिएगा, चीफ मिनिस्टर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, चीफ मिनिस्टर एक बार, गवर्नर देख लीजिएगा, ठीक है, सीईओ देख लीजिएगा, ठीक है, उसका नेशनल पार्क देख लीजिएगा, हेड क्वार्टर देख लीजिएगा, पेरियोडिक टेबल देख लीजिएगा, केमिकल कुछ फॉर्मूला देख लीजिएगा, आप लोग का ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सेकंड शिफ्ट, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट आपने नहीं देखा तो मैं आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट भी एक बार रिविजन करवा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट या मालूम फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं, फर्स्ट शिफ्ट मेरा जो पूछा गया मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रिविजन करवा दे रहा हूँ, जो वीडियो नहीं देखा वो देख सकता है। एम्ब्रायो के न्यूट्रिशन के किस माध्यम से मिलता है, प्लेसेंटिया के माध्यम से, डीएनए का डबल हेलिक्स डिस्कवर किसने किया था, वो है वाटसन है, कौन है, वाटसन एंड क्लाइन दो है, ठीक है। डीआरडीओ का हेड कौन है, देखो क्वेश्चन पूछा गया डीआरडीओ का हेड कौन है, तो सतीश रेड्डी जी हैं, और इसका डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसरो का हेड कौन है, फिर पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो यह के सिवान है, कौन है, के सिवान है, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल दोस्तों जब हुआ था उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था, तो पहले बात की पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन थे, कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। बैरोमीटर में किसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर दोस्तों मेजर करते हैं प्रेशर से, ठीक है। 1897 में जो विद्रोह हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें सबसे पहले अपनी आहुति किसने दी, सबसे पहले आहुति दिए थे मंगल पांडे थे, मंगल पांडे जो थे 1857 को फांसी दिया गया था बैरकपुर में, ठीक है, बैरकपुर कोलकाता, ठीक है। वामेन डे कब मनाते हैं, महिला दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो वह 8 मार्च को क्या करते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। राजत्रगिरी का ऑथर कौन है, इसका जो ऑथर है दोस्तों कलहर जी हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ में आ रहा है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बोला है ओजन डे कब मनाते हैं, ओजन डे मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को, तो ये आप लोग एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कुछ इंपोर्टेंस भी लिख चुका हूँ। एचआईवी का कब मनाते हैं, एचआईवी डे मनाते हैं 1 दिसंबर को। एनवायरमेंट डे कब मनाते हैं, 5 जून को। कैंसर डे कब मनाते हैं, 4 फरवरी को। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं, 22 मई को। मलेरिया डे कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाते हैं, 24 मार्च को। और पोलियो डे कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। ये कुछ इंपॉर्टेंस है आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2CONH2, ठीक है। और इसका यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो लीवर के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोला है नेशनल हाईवे कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH44, जो कि दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत ग्लोबल हंगर भूखमरी में भारत का रैंक कौन सा स्थान पे है, इंडेक्स में है, तो अगर 2020 का बोलेगा तो 94, अगर 2019 का दोस्तों पूछेगा तो 102, ठीक है। लोकसभा का अधिकतम सीट कितने हैं, लोकसभा में कितने टोटल सीट हैं, तो 552 सीट हैं। तो राज्यसभा की पूछा जा सकता है, तो राज्यसभा का 250 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। मुकुर्ति नेशनल पार्क कहाँ पे, केरला में, जो कि केरला कैपिटल का त्रिवंतनपुरम होता है। हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर है। इसका गवर्नर कौन है, बंदारू दत्तात्रेय जी हैं। IPL कहाँ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IPL कहाँ हुआ है, इस बार UAE में हुआ है IPL, ठीक है। मुंबई इंडियन इसको इस IPL को जीता है 2020 का। अब मुंबई इंडियन टोटल अभी तक 5 IPL जीत चुका है, सेकंड पर चेन्नई सुपर किंग है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑरेंज कैप किसको मिला है, तो KL राहुल को मिला है, जो कि वो सबसे ज़्यादा इस IPL में रन बनाए हैं। नेक्स्ट बोला सबसे ज़्यादा पर्पल कैप कप किसको मिला, तो वो है रबाडा को मिला, जो कि आई थिंक 30 विकेट लिए हैं, इसलिए रबाडा को मिला है। बॉडी बैलेंस, हमारे जो शरीर का बैलेंस, बॉडी बैलेंस का काम कौन करता है, हमारा जो शरीर का जो बैलेंस करता है वो कौन करता है, वो सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम, ठीक है। उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर का ब्रेन को इसको बोलते हैं CPU को बोलते हैं, तो CPU का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का भी पूछा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पूछा जाता है, ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। रैम का भी पूछा जा सकता है, रीड एक्सेस मेमोरी, तो आप लोग देख लीजिए फॉर्मूला अच्छे से, ठीक है। आइए
आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड बैटल कब हुआ है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो मैंने बता चुका है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है 1556 को हुआ है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ है, अकबर जीत गया हेमू हार गया, ठीक है। तो मैंने इसके रिलेटेड में फर्स्ट और थर्ड भी करा चुका हूँ। तो फर्स्ट वाला जो बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है तो 1526 में हुआ है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी में हुआ है, बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। उसी प्रकार थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है वो 1761 में हुआ है। तो एक बार आप लोग बैटल अच्छे से देख लीजिएगा। कॉमनवेल्थ यूथ का, कॉमनवेल्थ जो होता है यूथ गेम कहाँ पर होगा 2021 में, कहाँ पर होगा, स्पेन में होगा। इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है, वो है तुम्हारा टाइम्स ऑफ नेचर, और इसका भी इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं मैंने बता चुका हूँ, वो 5 जून को मनाते हैं। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट इन विच कंट्री, गोबी डेजर्ट है दोस्तों कौन सा कंट्री में, वो मंगोलिया में है, कुछ हिस्सा चाइना में पड़ता है लेकिन मैक्सिमम पड़ता है मंगोलिया, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन सा बैंक का मिलन हो गया, मतलब मर्ज हो गया है, तो विजया बैंक है और डेना बैंक, ठीक है। ये क्या होगा एक बार बैंक का आप लोग सीईओ पढ़ लीजिएगा, हेड पढ़ लीजिएगा इस बैंक का, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म से अधिक अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। सीजेआई मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मतलब कौन है अभी, तो अरविंद बोबडे जी हैं, ये पूछा गया है एग्जाम में। अगला सीट में आपको देखने को मिल सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के कौन से नंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो हो सकता है 47, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश के इलेक्शन कमीशन है वो कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, तो जो आर्टिकल्स है उनका 324 आर्टिकल्स में हमारे इलेक्शन कमीशन आते हैं। सैडल पिक कहाँ पे है, सैडल पिक कहाँ पे है, तो अंडमान में है, सैडल पिक कहाँ है, अंडमान में है। यूएन का प्रेसिडेंट कौन है, तो यूएन का प्रेसिडेंट कौन है, तो जोसेफ जैसी जी हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया हुआ है हरियाणा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, दुष्यंत चौटाला जी हैं, दुष्यंत चौटाला जी क्या है, हरियाणा के चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, तो वो है आप लोगों का मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। लाफिंग गैस की बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं N2O को, N2O को जो कि नाइट्रेट ऑक्साइड भी बोलते हैं उसको। यंगेस्ट PM किसको बोलते हैं, यंगेस्ट PM बोला है प्रधान प्राइम मिनिस्टर। अब वर्ल्ड में पूछा तो अलेक्सेंड्रो कार्डेली को बोला गया है, अगर इंडिया का पूछेगा तो राजीव गांधी होगा, ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी, ठीक है। सतलज रिवर जो इंडिया में एंटर करती है वो कौन से पास में एंटर करती है, तो चिपका पास पर एंटर करती है, चिपका पास से। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है, टोटल शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल है, याद रखिएगा टोटल कितने हैं, 12 शेड्यूल है टोटल, ठीक है। उसमें 8वां शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज के बारे में बोला गया है, टोटल 22 लैंग्वेज के बारे में बोला गया है 8वां शेड्यूल में। एक बार आप शेड्यूल देख लीजिएगा, 12 शेड्यूल पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। सेंसस, पहली बार सेंसस कब हुआ था इंडिया में, तो 1881 में हुआ था, उस टाइम के लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ था, सेंसस हुआ था, ठीक है। बाडा लाचा जो दर्रा है वो कौन से स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। एटम की खोज किसने किया था, एटम की खोज जॉन डाल्टन ने किया था, एटम की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। हिस्टोरिया ऑफ प्लेटेरियम का थियोफ्रेसिस, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, और उसका फॉर्मूला का सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हार्ट का जो पढ़ाई करते हैं किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। लीमन का पीएच वैल्यू क्या होता है, 4 से 5 के बीच में होता है, ठीक है। और ब्लड हमारा क्या है दोस्तों, ब्लड हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन एक साथ एनालाइज करा चुका हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में 29 को, ठीक है।